दस पंद्रह दिन है गए जब लौट के ना आए। सतराज ने विचार किया कि हमें ये लगता है मेरे भाई प्रसेन का पद भगवान कन्हैया ने मड़ी के लालच में करवा दिया। एक दिन सतराज की पत्नी सतराज के पाए नवाए रही। बुजुर्गों माताओं की आदत हुआ करती है अगर कोई बात हो जाए ना तो उसे क्रोध क्रोध के पूछती है। बोली महाराज क्या बात है जो आप उदास रहते हो, खाना भी ढंग से नहीं खाते। तो जवाब दिया कि हे देवी तुम्हें नहीं पता, अगर मैंने आपको बता दिया तो याद रखो भाई मारा गया, वो तो मारा गया, मैं भी मारा जाऊंगा। तो कहा कि बताओ ना महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। बोले देवी तुझे मेरी सौगंध है, किसी से कहना मत, ठीक है। मणि के लालच में भगवान कन्हैया ने हमारे भैया प्रसिद्ध को पद करवा दियो। बोली सोए जाओ, तुम सोए जाओ। पति को सुलाने के बाद महाराज रात के 2:30 बजे कलशा लेके कुआं पर पहुंची। कबे पड़ोस ने आए, कबे पेट को बहू हो निकारे। नारी कितनी भी विदुषी हो ये लक्षण सब पे आता है, नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं। कुछ भी हो